अगर आपको लगता है कि टेस्ट क्रिकेट का क्रेज जो है थोड़ा कम हो रहा है, तो आप इन लोगों को देख सकते हैं, लंबी कतार लगी है टेस्ट में जाने के लिए और टेस्ट मैच को देखने के लिए। और कानपुर शहर की एक खासियत है कि टेस्ट मैच हो, वनडे हो, जैसे भी हो, स्टेडियम हमेशा ग्रीन पार्क का भरा रहता है। आप लोग, आपके पीछे क्या लिखा हुआ है? विराट के फैन हैं आप? हाँ, विराट के फैन है। इंडियन क्रिकेट टीम के फैन है। इंडियन क्रिकेट टीम के फैन है। Yes. आपको पता है क्या, आप किस उम्मीद के साथ आए यहाँ पे? इस उम्मीद से आए कि यहाँ पे पहले टॉस होगा जिसमें से इंडिया बैटिंग करेगी, और हम लोग को चाहते हैं कि विराट और धोनी, विराट और रोहित यहाँ पे 50-50 रिकॉर्ड तोड़े। तो आप तो टॉस भी डिसाइड कर चुके हैं। अब वो तो प्रेडिक्शन पे बता रहे ना, ऐसा हो सकता है। आप लोग बच्चे इधर आओ, तुम किस उम्मीद के साथ आए हो? जीतने की उम्मीद से आ रहे हैं, किसी ना किसी की तो 50-100 देखने को मिले। आपको पता है यहाँ पे अभी तक जो करंट प्लेयर है उसमें किसी का 100 नहीं है। हाँ, इस बार लगेगा। इस बार पूरी उम्मीद लगने की है। और कैसा है जी ग्राउंड, कैसा है यहाँ पे, क्या आप लोग आते हो, देखते हो, क्या लगता है? ये तो हम लोगों का फर्स्ट टाइम है, लेकिन फर्स्ट टाइम को मेमोरेबल बनाना है तो अपने फ्रेंड्स के साथ आए। क्या करते हैं आप? आई एम स्टूडेंट इन क्लास 11 में। क्या पढ़ते हो? 11 साइंस। आई एम PCM। यस। IIT करना है? यस। और यहाँ मैच देखने में टाइम बच रहा है? बिल्कुल बच रहा है। पांचवा दिन देखोगे? फर्स्ट डे। टाइम है। ये भी विराट का, आप विराट के फैन? जी सर, विराट के फैन है। जी सर, बड़ा प्लेयर खेलता है, अच्छा टीम, इंडिया जीतेगी विश्वास आपके। बस थोड़ा आज मैच, बारिश ना, अच्छा मैच होगा। जी सर, रात भर तो होती रही बारिश, रात भर शायद आपकी सब लोग शायद बारिश का हो शायद, अभी लोग आए मतलब अच्छा, मतलब ये एक अच्छी खबर है कि यहाँ पे रात भर बारिश होती रही, लेकिन अभी आसमान साफ है तो उम्मीद की जा रही थी, और थोड़ा बहुत क्लाउड है तो टीम की स्ट्रेटेजी जो है उस पर भी निर्भर करेगी कि कैसे इस टीम देखती है, लेकिन हवाएं अभी नहीं चल रही हैं तो एक बस पानी से ना हो मैच, सौगर थी पानी नहीं होगा तो मैच हो जाएगा, इस उम्मीद के साथ ये जो टीम इंडिया के फैंस हैं यहाँ आए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि एक अच्छा मैच होगा। ग्रीन पार्क से विमल मोहन, NDTV।